दोस्तों, क्या आपने भी फल और सब्जियां लगाई हैं और वो कुछ इस प्रकार से खराब हो रही हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या घटित हो रहा है? इनके साथ हम फुल केयर भी कर रहे हैं, फिर भी तो मैं आपको बता दूं, ये काम है रस चूसक कीटों का, जो कि इन फलों और सब्जियों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार से होल्स क्रिएट हो जाते हैं जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं और पौधे के जो फल होते हैं वो सड़ जाते हैं। तो इस बीमारी को आगे ना बढ़ने दें। तो देखिए, मैंने आज बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जीरो बजट तरीके से स्प्रे तैयार किया है, जिसे आप घर पर आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके इस बीमारी को दूर भगा के अपने पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं। जय श्री राधे। दोस्तों मैंने अपने टेरेस गार्डन पर फूलों के साथ साथ और सब्जियों के साथ साथ एक फलों वाला पौधा भी लगाया है। उस पौधे का नाम है मतीरे का पौधा, जिसे मैंने खुद बीजों से जर्मिनेट किया था और वो भी बिना मिट्टी की सहायता से। और देखिए, अब ये पौधा कितने अच्छे से फल फूल रहा है, साथ में फूल भी भारी मात्रा में आ रहे हैं और फल भी कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक पॉलिथीन कवर इस पे लगाया हुआ है, तो इसे मैंने किस लिए लगाया है ये जान लेते हैं। और साथ में कुछ दिन पहले हमारा यहाँ पर एक मतीरे का पौधा लगा हुआ था, जिसे मक्खी ने डंग मार मार के पूरा ही खराब कर दिया, तो वो खाने लायक नहीं रहा, उसमें कीड़े पड़ गए थे। और ये वाला भी मैंने मक्खी से बचाने के लिए इसे कवर किया है। चलो अभी इसे खोल के देखते हैं कि ये मक्खी से बचा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने पॉलीथीन से कवर किया हुआ था मतीरा, तो इसे भी मक्खी ने डंग मार मार के इसे भी खराब कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो मैंने इसे इतनी मेहनत से ग्रो किया है और ये मक्खियाँ इसे डंग मार के खराब कर रही हैं, तो मैं इसे अभी होने नहीं दूंगी। और भी कई सारे ऐसे फल लगे हुए हैं, तो मुझे अब इस बीमारी का भी पता चल गया है और इसके इलाज का भी पता चल गया है। तो अभी हम यही दवाई बनाएंगे, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके, मतलब इस स्प्रे को तैयार करने के लिए हम नेचुरल चीजों का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए प्रयोग किया जाएगा लहसुन, मिर्च, तंबाकू, किसी एक प्रकार के कड़वे पत्ते और साथ में गौमूत्र। टोटली इन पांच चीजों से इस बीमारी को ठीक करने वाला अस्त्र बनाया जाएगा, जिसका नाम होता है अग्नियस्त्र। चलिए देखते हैं किस तरह से अग्नियस्त्र को बनाया जाता है और किस तरह से इसका प्रयोग करना है, जिससे कि ये बीमारी आगे ना बढ़े और जिन पौधों पर ये बीमारी लगी है वो पौधे भी स्वस्थ रहें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए जो मैं स्प्रे तैयार करने वाली हूँ, उसके लिए जितने भी सामान की जरूरत थी वो मैंने सारा यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले हमने प्रयोग करना है हरी मिर्च का, जो कि तीखी होनी चाहिए। अगर मिर्च तीखी नहीं होगी तब वो इतना असर नहीं करेगी, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपने हमेशा तीखी मिर्च का ही प्रयोग करना है। सेकेंड नंबर पे आ जाती है देसी लहसुन। देसी लहसुन कुछ इस प्रकार का होता है, आप इसका प्रयोग करें, काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और इसका असर भी काफी जल्दी होगा, इसीलिए आप इसी का प्रयोग करें। और साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं ये ढेर सारे पत्ते, ये रतन जोत के पत्ते लिए हैं मैंने, जिसे सफेद अरंड भी कहा जाता है। पत्ते आपने हमेशा वही प्रयोग करने हैं जो कि कड़वे हो और जिसे जानवर ना खाते हो। तो मेरे पास नीम की पत्तियां नहीं थी, इसलिए जो मुझे स्थानीय पत्ते कड़वे मिले तो मैंने उन्हीं को इकट्ठा कर लिया है। साथ में हमें चाहिए यहाँ पे तंबाकू, जो कि दुकान में आसानी से मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। ये भी काफी ज्यादा तीखा होता है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा तीखी होती है, इसकी वजह से ये मक्खियां जो भी हमारे पौधों को खराब करती है, इसका प्रयोग करने से वो पौधे के निकट भी नहीं आती। साथ में मैं थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे प्रयोग करूंगी गोबर का, क्योंकि आपको पता ही कि गोबर की स्मेल वैसे भी कीड़ों को पसंद नहीं होती है, जब हम इस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी वो दूर भाग जाएंगे। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, गोमूत्र मैं यहाँ पे ले रही हूँ पूरा 2 लीटर, और हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर गोमूत्र में डालना है। चलिए अब 1 by 1 करके समझते हैं कि इन चीजों का किस तरह से प्रयोग करना है। Thank you.
तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों ही चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पीस लिया है। आपने भी इनको अच्छे से पीसना है, तभी इनका जो रस है कड़वा वाला गौमूत्र में मिक्स होके अच्छे से रिएक्ट करेगा और हमारी बढ़िया स्प्रे बनेगी। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने पांचों प्रकार की चीजों को गौमूत्र में डाल दिया है और बिल्कुल धीमी आंच मैंने रखी है। धीमी आंच पर ही आपने इसे उबालना है। जब एक उबाल आ जाए मतलब हमारी ये स्प्रे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। फिर ये पूरे 48 घंटे के बाद आपने इसे ऐसे ही रखना है और सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ डंडे की सहायता से इसे सुई की घड़ी की दिशा में कुछ इस प्रकार से घोलना है और 48 घंटे के बाद आपका ये मिश्रण तैयार है स्प्रे करने के लिए। तो फिलहाल हम इसे धीमी आंच पर एक उबाल आने देते हैं, फिर 48 घंटे के बाद ये प्रयोग करने लायक तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छे से धीमी आंच पर पका लिया है, मतलब एक उबाल अच्छे से लगवा लिया है। देखिए ये अच्छे से गर्म भी हो चुका है और इसका जो भी रस था इन सभी चीज़ों का वो अच्छे से गौमूत्र में मिक्स हो चुका है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव स्प्रे हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसका इस्तेमाल पूरे 48 घंटे के बाद करेंगे। तो अब हम इसे उतार कर नीचे रख लेंगे और फिर सुबह शाम टकड़ी के डंडे की सहायता से इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में 2 मिनट तक इसे घोलेंगे और फिर दिखाती हूँ मैं आपको 48 घंटे के बाद मतलब पूरे 2 दिन के बाद किस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग फूलों पर भी कर सकते हैं, फलों पर भी कर सकते हैं, सब्जियों पर भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से डंग मारने वाली मक्खी ने, रस चूसक कीटों ने इसका रस चूस लिया है और इस प्रकार से इसमें होल क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बुलबुले से निकल रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये अंदर से सड़ चुका है। ये देखिए इस साइड भी मारा है डंग और बिल्कुल अभी ये छोटा सा था और इससे पहले जो बड़ा सा था उसमें भी इसी प्रकार से किया था और अभी देखिए और भी कई सारे निकल रहे हैं, लग रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बाकी भी इसी तरह से ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने अभी से इस स्प्रे को तैयार कर लिया है और पूरे 2 दिन के बाद हम इसका प्रयोग अपने पूरे टेरेस गार्डन के पौधों में भी करेंगे। तो रिजल्ट देखने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? आपको 2 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या इसके रिजल्ट आए हैं और क्या किस तरह से इसका प्रयोग करना है। देखिए मैंने इसे यहाँ पर रूम में रख लिया है, सुरक्षित जगह पर जहाँ पर बारिश का पानी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना गिरे कि जिससे हमारी ये स्प्रे ख़राब हो जाए। तो चलिए अब हम इसे इसी तरह से रख देंगे और जब ये तैयार हो जाएगा 48 घंटों के बाद तब हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो आपके भी फल और सब्जियां सड़ रहे हैं रस चूसक कीटों की वजह से, इस स्प्रे को बनाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट से इसे बनाएं और इसका प्रयोग जरूर करें। चलिए फिर जय श्री राधे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।